हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, जस्ट अभी उठी हूँ और ये देखिए मक्खियों का आतंक, कितना आतंक डाल के रखा हुआ इन्होंने। पता नहीं कहाँ से आ रही है, रूम पूरा साफ है, स्टोर साफ है, पता नहीं कहाँ से आ रही है गाइज। तो उसके बाद ऊपर से पानी गिर गया बेड पे। ये देखिए, चादर चेंज की थी मैंने कल, एक पूरी बॉटल पानी की गिर गई, वो पड़ी है ना पीछे, ये सारा पानी गिर गया यहाँ पे। सुबह सुबह इतना प्रॉब्लम हो गई है, बेड भी गीला हो गया, कम्फर्टर भी गीला हो गया और मक्खियों ने अलग आतंक मचाया हुआ है। अभी ये सब उठा के धूप में डालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। तो वैसे वैसे दिखाई दिया मैंने आपको, ये देखो कितना गीला हो गया पानी की वजह से जो गिरा है। ठीक है, चादर साफ है। ये देखिए, मैंने गद्दा उठा दिया सारा और ये मक्खियों ने जो आतंक मचाया हुआ नीचे, ये भी उठाऊंगी अभी, वो खिलौना उठाऊंगी। चादर भी गिल्ली हो गई पानी की वजह से, कम्फर्टर भी गिल्ला हो गया, सब कुछ गिल्ला, सुबह सुबह सब कुछ खराब हो गया। तो फिलहाल इसको लेके चलते हैं, इसको भी धूप में डालते हैं। तो वो कहा हुआ कहा हुआ बच्चा, चलो आपने पाया आज धोले धूप में डालना, इसको गिल्ली साइड डालना। जो रे बुट्टी नो जी, क्या जी, बाग बाग कच्ची बाग, ये कितना शुशु किया है इन्होंने। ये डाला गद्दा, ये पूरा गिल्ला हो गया पानी की वजह से, अभी सूखेगा फिर इसको अंदर रखें। इतना हैवी है ये, दो बंदों की बस नहीं है, इतनी मुश्किल से लाया मैंने बाहर। तो वो बाहर आ जाओ, किसने ये जी बारो, सो गाइस जस्ट अभी देखो मैंने सफाई की थी ना, ये फिर से कहीं से आ गई है, देखिए आपको। सो मैंने सारी सफाई कर दी है, जैसे कि आप देखो, ये देखो, ये बुट्टू जहाँ छो, ये जे वाली दूसरी बुट्टू कहाँ है, दूसरी बुट्टू जहाँ पे है, पापा के साथ पंगे कर दिए, और मैंने अभी सफाई की है जो दिए। ये देख, पसंद आ गया बेड बिना उसके गद्दे के। जो दी क्या स्मेल ले रही है, देना क्या चाट रहा है चुनी, ये छोनी बुट्टे दूची भी आई है, दूची भी आई, दूची भी आई है, दूचा बुट्टर आया मेरा। तिल साथ लड्डू नहीं करती है छोनी बुट्टरू, इनका बस यही हाल होता है जब तक देवो नहीं जाएगा। सो गाइज, मैं ना अभी टोबो के साथ बेड पे खेल रही थी, तो देखना उसके निशान, क्योंकि गद्दा नहीं ना है तो देखो कितनी डस्ट होती है झाड़ू मारने के बाद भी, पाँव भी साफ करो फिर भी पीछे से आ जाते हैं। ये देखो, सो गाइज ये लगे टोबो के पाँव जो भी मैं उसके साथ खेल रही थी ना। सो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, मैंने पूजा भी कर ली और सफाई भी कर ली है। ये देखिए टोबो वो बैठा, बिस्तर जो है ना मैंने उठा के बाहर रखा, अभी आपको मैंने बताया था कि गीला हो गया सारा, तो फिर मैंने बाहर रख दिया। अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। सो गाइज ये है मेरा कुर्ता, मैं आपको पास भी दिखाती हूँ आगे, ये देखिए
ग्लोबल देसी का कुर्ता है, ये भी मेरी शॉप का है। स्टफ काफ़ी पतला है, सॉफ्ट स्टफ है। मैं आपको पास से दिखाऊँ तो ये देखिए, तो ये पहना मैंने, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। ये वाला कुर्ता मैंने इसके साथ प्रॉपर मैच कुछ नहीं किया है एज सच, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ये वाइट वाइट मतलब ये वाले कलर का कुछ था नहीं बॉटम में, तो मैंने अपने से ब्लैक पहन लिया, क्योंकि ब्लैक अच्छा लगता है और ब्लैक ऑलमोस्ट सबके साथ जाता है, तो मैंने ये ब्लैक पहन लिया। और प्रॉपर स्टोल भी नहीं था मेरे पास ब्लैक कलर है, थोड़ा ग्रेश ब्लैक है, तो ये मैंने पहन लिया। गाइस मैं इतनी जजमेंटल नहीं हूँ चीज़ों को लेके, तो मैंने ये पहन लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरे को अच्छा लगता है ब्लैक और ये वाला कॉम्बिनेशन, तो मैंने फिर ब्लैक के साथ ही पेयर किया इसको। और ये है मेरी कंप्लीट लुक। वॉश भी किए हैं आज, वो परसों बनी गए थे तो थोड़ी सी डस्ट पड़ गई थी, मैंने सोचा हेयर वॉश कर लेते हैं, तो मैंने हेयर वॉश किया। फिर सोच रही हूँ अब जाती हूँ बाहर, पूजा भी कर ली है, जोत भी जगा दी है, मम्मा ने किचन में बना दिया ब्रेकफास्ट, मम्मा की सेहत ठीक नहीं है तो वो कह रहे थे कि तू पूजा कर ले, जोत छोत जगा दे, स्नान करवा दे, फिर बाकी काम मैं कर लूँगी। तो फिर मैं उन्होंने किचन में अभी ब्रेकफास्ट बना दिया, बस मैंने टोबो जोर को खिलाना है और फिर खुद खाना है और फिर चलाना है शॉप पर। और कुछ ऐसी सिचुएशन है इस टाइम मेरे रूम की, टोबो ये सोया है, मैं उठी थी 7:30 बजे और अभी 9:30 हो चुके हैं, 2 घंटे में मैंने ये सफाई सफुई की, नहाई और पूजा करी, बट अब मैं जा रही हूँ शॉप पे, अभी करूँगी ब्रेकफास्ट, तो बुजुर्ग को भी कराऊंगी, मिलती हूँ शॉप पे लगे आपसे। सो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बना है आलू का परांठा, साथ में चाय और मैंने घी के साथ खा रही हूँ। तो गाइस हम लंच करने ना घर जा रहे थे, तो रास्ते में ना ये मैंने गाड़ी देखी, तो मैंने दीवू से पूछा ये कौन है, कहते हैं जुडिशरी से आया है जम्मू से, यहाँ पे फंडिंग करनी थी उन्हें, तो वो नगरोटा और बसोली फंडिंग करके गए हैं काफ़ी कुछ, मुझे सारा कुछ तो नहीं पता बट मैं आपको बता रही हूँ। सामने मैंने शूट किया और ये जो सामने दिख रहा है आपको PWD का रेस्ट हाउस है, यहाँ पे मीटिंग थी और काफ़ी क्राउड था, हम जब घर जा रहे थे हमने रास्ते में देखा तो जाम भी लगा हुआ था काफ़ी, तो थोड़ी देर बाद मैंने शूट किया आपको दिखाने के लिए, तो अभी हम भी जा रहे हैं घर लंच करने। सो गाइस फिर मेरा मन कर गया था गोलगप्पे खाने का, आज ना धूप काफ़ी तेज़ थी, गर्मी थी, तो दीव कहता चल गोलगप्पे खा लेते तेरा मन है, तो फिर हम रुक गए आगे जाके, बट देखिए अभी भी ना ये डायरेक्शन दे रहे थे, जो गाड़ी गई ना ये सामने दिख रहा जो गाइस वो तो चले गए थे, फिर मैंने खाए गोलगप्पे दीपू के साथ। अच्छा मैं से दे फिर मैं चला उसको दो हम हां हम ना हैं दीपू बस एक किसने कहा आपने नहीं खाना गिलास भर के पानी पी लिया मैं मेरा बस हाँ। सो गाइज आ गए हम घर लंच करने, आज बनी है मूंगी की दाल, खट्टी मूंगी की, दीवू कर रहा है लंच, मैं भी कर रही हूँ, मम्मा ने प्याज भी काट के रखा है और गाइज मम्मा ने ना ओरिया भी बना के रखा है आलू का, मुझे पसंद नहीं है बाकी सब खाते हैं इसलिए वो भी बना है, सो हम कर रहे हैं लंच, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक टोबो को देखिए आप। सो गाइज आ गई हूँ मैं घर, आती पहले मैंने चेंज करके टोबो जोरो को खाना खिलाया और मैं मम्मा से बात कर रही हूँ किसी बात को लेके, टोबो अपना खाने में मस्त है और जोरो को खाना खाना नहीं है, उसको भी मैं जबरदस्ती खाना खिला ही देती हूँ गाइज। तो गाइज शॉप से आने के बाद मुझे पता लगा कि आंटी नहीं आए थे, तो मैंने फिर पोछा भी लगाया और फिर उसके बाद मैं इन दोनों को खाना खिलाने बैठ गई। सो गाइज इनका खाना खाने के बाद मैं और दीवू ही बचे हैं जिन्होंने डिनर करना है, बाकी सब ने कर लिया गाइज, अब इसके बाद मैं और दीवू डिनर करेंगे और डिनर में बना आज पनीर भुर्जी। मैं खाना नहीं खाऊँ खाना क्या मुश्किल ले रही है, हम खाना नहीं खाए का हो क्या देख रही पापा को दोनों का देख रही। सो गाइज मेरा सारा काम हो चुका है किचन का, मेरे को टाइम ही नहीं लगा आपसे डायरेक्ट बात करने के लिए। सो गाइज मैंने बर्तन भी धुल दिए, आटा भी गूंथ दिया, देखो बर्तन धुल गए सारे, बिल्कुल क्लीन है सब कुछ, शेल्फ भी बिल्कुल क्लीन है, ये देखिए
सो गाइस ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना ओपनिंग टूट चुका हुआ है, ये सेट नहीं हो पाता है इसका। अगर हमने सेट करवाया तो हमें पूरा निकाल के सेट करवाना पड़ेगा, इसलिए हम अभी ये टेम्प्रेरी चल रहा है, इसको हम ठीक करा लेंगे थोड़ी देर में। और अब मुझे लास्ट काम करना है, ये जलाना है कपूर, ये जलाते हैं तो डे एंड करते हैं, स्किन केयर करते हैं और फिर सो जाएंगे। तो बो चलो अपने रूम में, चलो उतर अपने रूम में, चलो चलो उठो उठो, नाइट होगी, चलो 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 करो, चलो पापा पास अंदर अंदर, मम्मा भी चल रही है, चल देखो मेरा बुद्ध जा छोएगी, मेरा बुद्ध छो जाओ, गुड नाइट। आज वेंसडे है ना, सो गाइस केले भी इस पे ही मैं टोनर लगा रही हूँ, क्योंकि टोनर ना हमेशा डैम फेस पे ही लगाना चाहिए। सो गाइस हल्का सा मेरा हेयर ड्राई हो गया, वैसे स्नेल म्यूसिन लगा रही हूँ मैं, आप चाहो सो गाइस स्नेल म्यूसिन जो है आप डैम फेस पे ही लगाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गीला ही है मेरा, मैं लगा रही हूँ ये, मुझे भूल गया था कि मुझे स्नेल म्यूसिन लगाना है, तो मुझे याद आ गया तो मैं गीले फेस पे ही लगाना शुरू हो गई हूँ। सो गाइस आप देखो ये पीछे क्या हो रहा है, ये सोने नहीं दे रहा जोरो दीवू को, तो दीवू उसके ऊपर उसको पगे कर रहा जोरी जी, क्या है। सो गाइस ऑलमोस्ट मेरे सारी चीजें लग गई हैं, बस एक रेटिनोल लगाना है, रेटिनोल आप ना थोड़े से चीजों को एब्जॉर्ब होने दो, ड्राई होने दो, फिर लगाएंगे। और मैं जो अभी सबसे सिंपल रेटिनोल यूज कर रही हूँ वो ये है फॉक्सटेल का, इसको देख। सो गाइस ये मेरे को स्किन केयर नहीं करने दे रहे हैं, बड़ा शोर मचा रहे हैं। वैसे मेरा फेस काफी जल्दी ड्राई हो जाता है, चीजें फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर है, अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है तो आप लगा सकते हो, बट अगर ऑयली स्किन है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और हर चीज स्किन के हिसाब से होती है गाइस। डन, अब मैंने लगाना है मॉइस्चराइजर, मैं सिंपल ही मॉइस्चराइजर लगाती हूँ फिलहाल, अभी मेरे पास दो तीन है, और माई मॉइस्चराइजर में ना अच्छी क्वांटिटी में लगाती हूँ, तो वो क्या हो रहा है। ये मत भूलना, ये भी सामने विजिबल होता है। अब उससे अपना फेस तो नहीं सुंदर चाहिए ना। सो गाइस ये मेरा था लास्ट स्टेप मॉइस्चराइजर एंड डन, बट एक चीज़ भूल रहे हैं, क्या हाँ एंड इसके बाद डन हो जाएगा। सो गाइस मेरी स्किन केयर डन है, अब मैं जा रही हूँ सोने, मैं आपको दिखाती हूँ पीछे का नज़ारा क्या है। अब मुझे नहीं पता एक देखो इनको दांत पल लिए, दांत पल लिए दोनों को, सोना नहीं, मैं मेरी जगह क्यों सोए हो दोनों, मैंने कहा सोनी है, तो वो मेरा शरीफ है पुत्र, वो छेड़ता ही नहीं किसी को, ये है ना इसको एनर्जी आई हुई है, हमारा सोने का टाइम है और इसका खेलने का टाइम है, ये रात को उनका खेलने का टाइम होता है, कहते खेलो हम होते थके, हमें होता सोना। सो गाइस इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी, सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।